वीरपार्क को मंडी शहर में काफी संख्या में वाहनों की आवाजाही तथा लोग जरूरत की दुकानों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए। मंडी शहर में करियाना, फल सब्जियों की दुकानों के अलावा सरकारी सस्ता राशन की दुकानों में लोग लंबी लंबी लाइनों में राशन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए, जिसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि लोगों को कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन की कोई जानकारी नहीं है और लोगों को लग रहा है कि केवल दूध, दही, फल सब्जियों व दवाइयों की दुकानों के अलावा पहले की भांति सब कुछ बंद रहेगा, जिसके चलते दूर दूर से लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए मंडी शहर पहुंचे। मंडी के स्थानीय निवासी व पेशे से वकील विशाल ठाकुर ने कहा कि लोगों को कोरोना कर्फ्यू की सही जानकारी न होने के कारण शहर में काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों को लग रहा है कि कल से जरूरत की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद हो जाएगा, जबकि प्रशासन को चाहिए था कि लोगों को कोरोना कर्फ्यू के बारे में जागरूक करे ताकि इस तरह की भीड़ को कम किया जा सके। अगर इसी तरह चहल पहल रहेगी तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा अधिक बना रहेगा। जी, आज लोग काफी किराने की दुकानों में और सब्जियों की दुकानों में काफी भीड़ है, लेकिन जनता को त्राही माम बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये जो एसेंशियल कम्युनिटी की आइटम्स की जो दुकानें हैं, जैसे दूध, ब्रेड, सब्जियों की, किराने की, ये 100 दिन खुले रहेंगी। और ये जो ये इम्पोज किया सरकार ने, धारा 144 की लागू की गई है, जिसमें कि 5 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति किसी समूह में शामिल नहीं हो सकते। और जो गाइडलाइंस, जो SOP पहले से जारी की है, उसी का पालन है। उसके साथ साथ सरकार ने सिर्फ ये किया है कि जो ऑफिसेज हैं और वो बंद रहेंगे, तो इसमें ज़्यादा जो लोगों में ऐसे हलचल मची, होड़ मची हुई है कि हाँ सब कुछ बंद हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। तो जनता से अनुरोध है कि वो संयम बरतें और जो है कोरोना नियमों का पालन करते रहें। निश्चित तौर पर सरकार का जो कर्तव्य है, सरकार अपनी कर्तव्यों को कर रही है, लेकिन हमारा जनता का भी अपना कर्तव्य बनता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का समय समय पर प्रयोग करते रहें और लोगों को जागरूक, एक दूसरे को जागरूक करते रहें, क्योंकि आज इस कोरोना काल के दौरान एक तरह से मानवता खत्म हो चुकी है। और ये देखा जा रहा है कि परिवार के जो जलने डेथ हो रही है, लेकिन कोई भी उसमें शामिल नहीं हो रहा, जैसे आज एक संवेदनहीन हो गया इंसान, तो वैसा नहीं है। कोरोना से बचाव है, लेकिन सब कुछ करते हुए, सब कुछ अपनाते हुए चलते रहे। क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार यही है कि जो कल सोशल डिस्टेंसिंग लाइन, जो जो सवारियां हैं वो आप मतलब कि एक सीट पे जो 3 सीटें हैं उसमें 2 ही सवारियाँ बैठ सकती हैं, और दो सीट पर उसमें 1 ही सवारी बैठ सकती है, तो 50% उसको अपनाते हुए तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी खुली है।